अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इसे आप भी पहना दीजिए। ये लीजिए। इसे आप ही पहना दीजिए। विकास, आओ विक्रम, आओ, आइए ज्योति भाभी, आइए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अंकल, दोस्ती हो तो इन जैसी। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। ये लो, ये आपके लिए है। थैंक यू। मालिक, भाभी जी, आप सभी को इस मंगल त्योहार पर बधाई। मुनीम जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मुनीम जी। भाभी जी, हम तो यहाँ हलवा खाने आए हैं। थैंक यू भाई साहब। वाह भाभी जी, आपका बनाया हलवा बार बार खाने को जी करता है। ये जी, डायलॉग डायलॉग, एक गुट छुड़का सा। नहीं भरोसे, विकास बाबू को शराब और शराबी से बहुत नफरत है, समझ गए ना? आओ बाप। समझ गया। आओ नटवर, आओ बाके। दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक हो विकास जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते भाभी जी, दिवाली मुबारक हो आपको भी। विक्रम, ये नटवर हैं और ये इनके छोटे भाई बांके, मेरे परिचित हैं, और ये विक्रम है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिवाली आपको भी मुबारक। आपको भी। लाओ भाई हलवा लाओ। चलो जी। ये क्या, डॉक्टर ने आपको ज्यादा नमक खाने के लिए मना किया है ना? ओके ओके। एक बात कहूं? हाँ? ये जो नटवर और बांके जैसे लोगों से आप संबंध रखे हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो ममता, बिजनेस में हमें अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों से वास्ता रखना पड़ता है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। हमें खबर मिली थी कि आपके संबंध गलत लोगों से हैं और आपके यहाँ से गैर कानूनी व्यापार होता है, मगर तलाशी में कुछ नहीं मिला। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। आई एम वेरी सॉरी सर। बाबा चलो। मम्मी, हमारी फैक्ट्री में पुलिस क्यों आई? देखो नटवर, इस तरह फैक्ट्री में पुलिस का आना अच्छी बात नहीं है। विकास बाबू, पुलिस का और हमारा तो चोली दामन का साथ। पुलिस हम जैसे लोगों से वास्ता नहीं रखेगी तो क्या साधु संतों से रखेगी? एग्जैक्टली। इन रुपयों को देखिए विकास बाबू, इन पर कहीं नहीं लिखा है कि ये नोट गैर कानूनी है। और फिर लक्ष्मी को पाने के लिए इंसान कभी कभी छोटा मोटा गलत काम तो कर ही देता है। मैं भी एक छोटा ही आदमी हूँ विकास बाबू। ये लीजिए हमारे एग्रीमेंट की कॉपी। विकास बाबू, एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ना, देखेगा दौलत कैसे छप्पर फाड़ कर बरसेगी। मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। चलो मम्मी। चलो। लीजिए। शुक्रिया। बाबा, आप अपने कमरे में जाइए। आज हमारी फैक्ट्री में पुलिस आई थी। तुम कैसे जानती हो? मैं बाबा को लेने स्कूल गई थी, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा था। जानते हैं, जब उसने फैक्ट्री से बाहर निकलती पुलिस को देखा
तुम मुझसे क्या सवाल किया? उसने पूछा, मम्मा यहाँ पुलिस क्यों आई है? अब आप ही बताइए, मैं उसके सवाल का क्या जवाब देती? ममता, इस वक्त मुझे परेशान मत करो। देखिए, आज हमारी फैक्ट्री में पुलिस आई, हो सकता वो कल हमारे घर आ जाए। आपको गलत लोगों के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। मुझे किन लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं, इसकी समझ मुझ में है। मैं समझ और नासमझी की बात नहीं कर रही। आखिर उनका ऐसा कौन सा बिजनेस है जो उनका और पुलिस का चोली दामन का साथ है? ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। देखो ममता, ये सब कुछ मैं तुम्हारे और अपने बेटे के सुख के लिए कर रहा हूँ। नहीं चाहिए हमें ऐसा सुख जो आपको गलत लोगों से संबंध रखने पर मजबूर करे। नहीं चाहिए ऐसा सुख जो कल हमें दुख पहुंचाए। नहीं चाहिए ऐसा सुख जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। हेलो, मैं नेटवर्क बोल रहा हूं। किसका फोन है? हेलो विकास बाबू, नेटवर्क। मैं तुमसे ऑफिस में कल बात करता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, आप ऐसे लोगों से संबंध मत रखें जिनके कारण हमारे हंसते खेलते संसार को ग्रहण लग जाए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पति के रूप में मैंने आपको पाया। मैं पत्नी के रूप में अपने आप से ये सवाल करूं कि मैं आज क्यों जा रही हूं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और अगर मैं मां बनकर अपने आप से ये सवाल करूं कि मैं क्यों जा रही हूं, तो मेरे पास जवाब है, हमारे बेटे का भविष्य। पिताजी बहुत बीमार हैं, मेरी कुछ मदद कीजिए। तुम अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हो? हाँ। आप सभी यात्रियों का स्वागत है, कृपया ध्यान दें, जोधपुर से अहमदाबाद जाने वाली साधारण सवारी गाड़ी अपने निर्धारित समय पर आ रही है। मम्मी। ये गाड़ी मार्ग हाँ बेटे, अहमदाबाद जाएगी। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन जुर्म है। जेब कतरों से
माँ ये लो। शाबाश बेटा। माँ पुलिस आप जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर आपके साथ चलना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे सामने हमारे बेटे का उज्जवल भविष्य खड़ा है जिसका सपना हम दोनों ने साथ मिलकर देखा था। इसी सपने को साकार करने के लिए मुझे राह बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपसे रूठ कर नहीं जा रही हूँ। आपका प्यार हमारे बेटे की अच्छी परवरिश में मेरा सदा साथ देगा। हेलो, मैं रेलवे पुलिस चौकी से इंस्पेक्टर गजेंद्र बोल रहा हूँ। कहिए। यहाँ एक औरत और बच्चे की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उन्हीं के बैग में आपका ये टेलीफोन नंबर मिला है। उनकी शिनाख्त के लिए आपको यहाँ आना होगा। देखिए, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए नहीं देख सकते हैं। हवलदार, ये बैग इनकी डेड बॉडी के पास ही मिला है। क्या तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे? जी। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? ये मैं नहीं, मेरे मन का विश्वास कहता है कि मैं सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे सकता हूँ। वाह, तुम्हारे मन का विश्वास बिल्कुल सच्चा है। आज से तुम हमारे विश्वास हो। अब मैं आप लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। विकास बाबू, संबंध इतनी आसानी से नहीं टूटते। संबंध जोड़े जा सकते हैं तो तोड़े भी जा सकते हैं। मैंने तुम जैसे लोगों का साथ दिया, इसीलिए मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई। अब मैं तुम लोगों से रिश्ता रखकर ममता और अपने बेटे की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। हेलो, कल सवेरे हम माउंट आबू जा रहे हैं, तुमको भी चलना है? कल सवेरे माउंट आबू जाना है? मगर तुम्हारी अगर मगर बिल्कुल नहीं चलेगी। बस चलना है तो चलना है। ठीक है, मैं चलूंगा। आज के बाद आप लोग मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब आप जा सकते हैं। भगवान करे आपकी माउंट आबू की यात्रा सफल हो विकास बाबू। विकास तैयार हो? अरे ये क्या विकास, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? विक्रम, इस वक्त मेरी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। भाई साहब, दो चार दिन घूमने से आपका मन हल्का हो जाएगा। भाभी जी, आप तो जानती हैं ममता और बाबा के साथ हम कितनी बार माउंट आबू जा चुके हैं। भाई साहब प्लीज। भाभी जी रहने दो। ज्योति,
विकास का मन नहीं करता तो ना सही। अंकल बाय प्रिया। थैंक यू बेटा। चलो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है विकास। विक्रम एक काम करो, तुम मेरी कार ले जाओ। गुड आइडिया। सी यू। अंकल बाय। बाय बेटा। बाय। RJS 1621। बांके, विकास की गाड़ी निकल चुकी है। उसका रंग है सफेद और उसका नंबर है RJS 1621। ये लो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विक्रम? विक्रम, विक्रम, अंकल पापा को क्या हुआ? विक्रम और ज्योति की हत्या नटवर और बांके ने की, यह साबित हो जाने पर अदालत द्वारा उन दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई। ममता और बाबा के खो जाने के बाद विकास को यह शहर वीरान सा लगने लगा। ममता की यादों और प्रिया के स्नेह का सहारा लिए विकास ने यह शहर सदा के लिए छोड़ दिया और उदयपुर बस जाने का फैसला कर लिया। दुनिया में उजाला सबको देता है, छोटे और बड़ों में, छोटे और बड़ों में भेद नहीं वो करता है। फूलों ने खुशबू लुटाई है अपनी खिलकर, ऐसा ही सुख पाए, ऐसा ही सुख पाए हर कोई तुमसे मिलकर। दया करेंगे श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी, भला करेंगे श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी।
जीवन एक परीक्षा जो ये सोच के चलता है, मन का ये विश्वास, मन का ये विश्वास देता उसे सफलता है। कुछ भी नहीं है ऐसा जो इंसान न कर पाए, जो कहलाए। कृपा करेंगे श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी, भला करेंगे श्री राम जी, श्री राम जी, श्री राम जी। रमैया जी साहब आए साहब। प्रिया बेटी का सामान पैक हो गया? सामान अंत तैयार है इंदी। क्या पैकिंग इंदी देवड़ा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुनीम जी। प्रिया अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू घूमने जा रही है, उसके जाने की तैयारियां हो गई? जी सर। वेरी गुड। लेकिन प्रिया बेटी है कहां? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। लवली। एंड माय गिफ्ट? ओह, ये है मोबाइल फोन तुम्हारे लिए। इट्स सो क्यूट अंकल, इट्स रियली क्यूट। अब जब तुम्हारा मन करे तुम हमसे बात कर सकती हो और मैं तुमसे, क्योंकि आज पहली बार तुम हमसे दूर जा रही हो। हेलो। प्यारे स्पीकिंग। प्यारे, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास मोबाइल आ गया? क्योंकि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। प्यारे कैसी रही? मैं गिर पड़ा इसलिए तुम हंस रही हो ना? हाँ। देताली आपके लिए मैं माउंट आबू की बेस्ट मिठाई लेके आऊंगी। अंकल। अच्छा देखो प्रिया। समझ गई अंकल। समय से नाश्ता करना, जल्दी सो जाना, आप जो भी कहना चाहते हैं एकदम वैसे ही करूंगी। आप और मुनीम चाचा तो मुझे अभी भी बच्ची समझते हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ अंकल। अरे हाँ, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। ओके बाय अंकल। बाय। एंड अंकल नो सिगरेट्स। नहीं नहीं, सिगरेट तो मैंने फेंक दी। अच्छा चलो ये भी फेंक देता हूँ। वेरी गुड अंकल। बाय बाय अंकल। गुड मॉर्निंग पालनपुर पैलेस। सावधान, आपके इस रिसीवर में एक छोटा सा बम है। हा? जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। आप नहीं जानते कि इस हादसे से आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। आप सुन रहे हैं ना? यस सर। कैसा रहा हमारा धमाका? आपका धमाका हमें पसंद आया सर। अच्छा तो देताली। प्रिया एंड हर ग्रुप फ्रॉम उदयपुर। ओह यस। चाबी प्लीज। जी। ये रही आपके रूम की चाबियां सर। हमने आपके लिए माउंट आबू के बेस्ट गाइड का इंतजाम किया है।
सर, माउंट आबू जयपुर से 500 किलोमीटर है और जोधपुर से 280 किलोमीटर। ओके सर। हाय रहमत। हाय विश्वास। वो रहे हमारे गेस्ट। Vishwas, your guide. Nice meeting you. Thank you. Bye. यहाँ आए मेहमानों में प्यार बांटना, उनका प्यार पाना, मान सम्मान के साथ यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस की सैर करवाना और उनके बारे में जानकारी देना, यहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचे इस बात का ख्याल रखना, यही विश्वास गाइड का काम है। आइए। आपकी मातृभाषा क्या है? नान तमिलियन। नान उन्ने इंद अलगना भूमि के अड़किरन। नंद्री। आमार मातृभाषा बंगाली आछे। माउंट आबूर खूब सुंदर जागाते अपना स्वागत। ओह धन्यवाद। माझी मातृभाषा मराठी आहे। हे रमणीय माउंट आबू आपले स्वागत करता है। आभार। हाय। हाय। एंड व्हाट वुड योर मदर टंग बी? हिंदी। हमारी इस माउंट आबू की खूबसूरत धरती पर आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वैली ऑफ माउंट आबू। थैंक यू। ओए मैंने भूल गया तू? असी पंजाब दा पुत्र। असी माउंट आबू दी सोनी धरती ते तोड़ा स्वागत करते हैं। ओए तुसी ग्रेड पापा जी फड़ यार। नो थैंक यू। हेलो इट्स माइन। हाँ अंकल। प्रिया बेटा आराम से पहुंच गए ना तुम लोग? अभी आ जाइए, बहुत मजा आएगा। प्रिया अभी तो पॉसिबल नहीं है अब। हाँ बेटा सुनो, दिन में एक बार मुझसे बात जरूर कर लेना। हाँ अंकल। बाय। बाय अंकल। ओ आप अपने अंकल को बहुत प्यार करती हैं? हाँ। एक्सक्यूज मी। जी। मैंने सुना है यहाँ माउंट आबू में बहुत सारे बंदर हैं। हाँ हाँ यहाँ तो बहुत बंदर हैं। वाओ वेरी गुड। क्यों इन्हें बंदरों से बहुत डर लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चले लेट्स गो। ये चमत्कारी शिव मंदिर है। 1942 में सेठ खटाओ संतान की उम्मीद लेकर आए थे और उनकी मुराद पूरी हुई तो संतान सुख प्राप्त होने की खुशी में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। चले चलिए। थैंक यू भगवान जी। एक मिनट। ओके। हाँ पिंकी। ओ यस। वन सेक। मीरा हेलो। हाँ हाँ बोल प्रिया। नाउ अ लिटिल ब्रेक, इसके बाद घूमने चलते हैं। ओके। अरे उधर देख यार क्या चीज है। हाय वाओ चलो फ्रेंडशिप करते हैं। हाँ हेलो। एक मिनट। हाँ हाय आज फ्रेंडशिप डे। ओ आज फ्रेंडशिप डे वेरी गुड। दे ताली। ताली ले ताली। हम आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। हमारी फ्रेंडशिप कबूल कर लो। हमारी फ्रेंडशिप कबूल कर लो। अगर कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहता तो उसे जबरदस्ती दोस्त बनने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? Don't misbehave. Misbehave देखना चाहते हो? Yes!
गिर गया। गिर गया? दे ताली। ताली। समझता नहीं यार। Thank you. You're welcome. Hello? Vishwas? हाँ माँ, it's mine. खाना खा लिया बेटे? माँ अभी तो 12 बजे हैं। वक्त पर खाना खा लेना। ओके माँ। आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं? हाँ, वो मेरी सब कुछ है। मैं भी आई। रुकिए, आइए मेरे साथ। ये हमारा दोस्त बजरंगी, आप भी दोस्ती कर लीजिए। नहीं। अरे डरिए नहीं। आज फ्रेंडशिप डे है, दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो प्यार से बनता है। दोस्ती करने के बाद फिर कभी मत तोड़िएगा। किसी से कहां दोस्ती हो, कोई जाने न कब किसी से कहां दोस्ती हो। दोस्ती के लिए है जरूरी कि दो अजनबी हो। कोई जाने न कब किसी से कहां दोस्ती हो। जाती है मुस्कुराते हैं लब, हाथों के मिलने का बनता है यूं सबब। हाथ मिलते हैं तो दिल से दिल है मिले, जिंदगी में यूं ही बनते हैं सिलसिले। अगर ये ना हो तो तन्हा हर एक आदमी हो, अगर ये ना हो तो तन्हा हर एक आदमी हो। दोस्ती के लिए है जरूरी कि दो अजनबी हो। कोई जाने न कब किसी से कहां दोस्ती हो। शबनम से है फूलों की दोस्ती, जैसे सरगम से है गीतों की दोस्ती। ऐसी ही दोस्ती क्यों ना हम तुम करें, प्यार के रंग हम जिंदगी में भरें। दोस्त हम बन जाएं, मर्जी अगर आपकी हो।
देखो दोस्त हम बन जाए मर्जी अगर आपकी हो। दोस्ती के लिए है जरूरी के दो अजनबी हो। कोई जाने न कब किसी से कहां दोस्ती हो। कोई जाने न कब किसी से कहां दोस्ती हो। अब हम आपको प्रेम वृक्ष और सनसेट लवर्स पॉइंट ले चलते हैं। नाना हम लोग थक गए, आप रुक जाइए। ओके प्यारे, बाय बाय बाय। ये प्रेम वृक्ष है। प्रेमिका अपने प्रेमी के नाम का लाल धागा इस पेड़ को बांधकर इसके पत्ते पर अपने नाम के साथ अपने प्रेमी का नाम लिखती है। ऐसा करने से उसे अपना प्रेमी जरूर मिलता है। अगर उनके प्रेम में किसी तरह का विघ्न आ जाए तो प्रेमिका प्रेम वृक्ष पर अपने विश्वास का दिया जलाती है और जिंदगी में आए सभी तूफान थम जाते हैं। मन की मुराद पूरी होने पर प्रेमी और प्रेमिका द्वारा प्रेम वृक्ष को श्रद्धा सुमन चढ़ाने से सुख और संतोष प्राप्त होता है। क्या ऐसा होता है? कभी आजमा कर देख लीजिएगा। यह सनसेट लवर्स पॉइंट है। यहां दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट देखने को मिलता है और दो प्रेमियों की प्रेम कथा पर इस जगह का नाम लवर्स पॉइंट पड़ा। अच्छा, साहब। हाँ। टी तीस करने। क्या? साई पियो, इंदी गड़बड़ सीखेंगा, मैं पक्का सीखेंगा साहब। हेलो प्रिया, कैसी हो तुम? अच्छी हो अंकल, इस वक्त हम नकी लेक पे बोटिंग कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। हाँ हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। हेलो हेलो, मेरा मोबाइल। रिलैक्स, एक मिनट। हेलो विश्वास। विश्वास क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं? हेलो, वो आ गया। आपकी मम्मी। हाँ माँ। अरे कहाँ चला गया था तू? यही था माँ। कौन थी वो? बहुत मीठी आवाज है, लगता है तुझे सर्दी लग गई। कुछ नहीं माँ। जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। ओके। आपका मोबाइल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विश्वास नहीं है? जी माँ ने उसे रोक लिया है। दरअसल बात यह है कि उसे सर्दी और बुखार हो गया है।
मैंने आपको देख लिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, बैठिए। अरे रहमत होटल नहीं पहुंचा? वो आए थे, बाकी सब उनके साथ चले गए हैं। आप नहीं गई? एक ग्लास पानी मिलेगा? या शो। नहीं नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ। बैठिए। फंस गई ना यहाँ की प्रिया की बच्ची। पानी। थैंक यू। आप पेंटिंग भी करते हैं? हाँ। I've completed my graduation. नौकरी की तलाश है। Working as a guide is just my part-time job. Oh. एक बात कहूँ? आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे, आप शर्मा रही हैं? नहीं, नहीं तो? अरे माँ, ये प्रिया है। नमस्ते आंटी। और प्रिया, ये मेरी मुंह बोली बहन। शांति। नमस्ते। मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ बेटे। ये कल से तुम्हारी बातें किए जा रहे हैं। हाँ प्रिया जी, आपके अंकल हैं जो उदयपुर में रहते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको बंदर से बहुत डर लगता है। सब कुछ बताया भैया ने। शांति बेटे, प्रिया के लिए कुछ कॉफी वगैरह लाओ। नहीं नहीं, अब मैं चलूंगी आंटी। नाइस मीटिंग यू शांति। अम्मा, मैं बाहर तक छोड़ता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, छोड़ आओ भैया। माँ से क्यूरी। अच्छा, कल हम गुरु शिखर जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ रास्ते में भोलेनाथ ठंडाई वाले की दुकान पड़ती है, वहाँ कोई ठंडाई नहीं पिए। बाय। ओके। जय जय शिव शंकर। यार, ऐसा क्या है इस ठंडाई में जो विश्वास ने इसे पीने से मना किया? ए देख देख, क्या लिखा है? भोलेनाथ बादशाही ठंडाई। पीने वाला सच बोलने लगता है। दिल की बात होठों पे आ जाती है। दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा प्रिया। अरे हाँ, विश्वास हमारा गुरु शिखर पर वेट कर रहा होगा। कमॉन कमॉन, लेट्स गो, कमॉन प्रिया, चलो। नहीं, हम ठंडाई पी के जाएंगे। बादशाह ठंडाई देना। आपको ही ए, ए, ही मिलेगी तो दो ना। आप जो जो छोटे हैं। लो, हम इन्हें छोटे नजर आते हैं। आपका चकराएगा। लो सर, हमारा चकराएगा। और तकलीफ नहीं होगी। ए, किसे तकलीफ हो रही है? हवालदार। ए, हवालदार नहीं, मेरा नाम हवालदार धरती धकेल सिंह है। आप मरते? मारता नहीं हूँ, अपने आप चलती है। तो ठीक है। माफ करना हवालदार धरती धकेल सिंह जी, क्या हम आपको छोटे नजर आते हैं? नहीं। सुन लिया आपने? अब लाइए ठंडाई। लेता हूँ। धरती धकेल सिंह जी, जी। धकेल लो। नहीं, पहले दो ग्लास पी चुका हूँ मैं। तो एक और सही। तुम कहते हो तो इतने दे ताली। ले। जय बम बम भोले। और तो? ओह माय गॉड, बस
देखकर प्रिया जर जाएगी। और गई। बोले शंकर, इसकी रक्षा करना। ये तो गई। विश्वास, विश्वास आप यहाँ पे हैं? मैं तो आपका गुरु शिखर पर वेट कर रहा था। सॉरी प्लीज। इट्स ओके। मैंने प्यार किया। क्या? बताइए। हम आपके हैं कौन? इसमें सोचने जैसे कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम साथ साथ हैं। समझ गया। क्या समझ गया? यही कि ये तीनों राजश्री की अच्छी फिल्में हैं और मैंने देखी हैं। ओह नो, तुम कुछ भी नहीं समझे। लगता है आपने जम कर ठंडाई पी है। नहीं तो? अच्छा, अब कहिए। पी है। क्यों? क्योंकि इसके पीने से दिल की बात होंठों पे आ जाती है। दिल देना है तो दे दे, वरना ये हम चले। दिल देना है तो दे दे, वरना ये हम चले। दिल लेना है तो ले ले, वरना ये हम चले। दिल देना है तो दे दे, वरना ये हम चले। ओहो, दिल देना है तो दे दे, वरना ये हम चले। सुनना है तो सुन ले, वरना ये हम चले। हो हो हो, दिल देना है तो दे दे, वरना ये हम चले। तेरी खामोशी ने कसम से दिल को दीवाना कर दे। मीठा मीठा सा दर्द तूने मेरे सीने में भर दिया है। हाय, बह रही हूँ मैं जिस नशे में, काश उसमें बह जाए तू भी। मेरी तरह बेचैन होकर ढाई अक्षर कह जाए तू भी। कुछ कहना है तो कह ले, वरना ये हम चले। हो हो, दिल देना है तो दे दे।
ठंडाई के नशे में तू विश्वास पर ऐसे झूल रही थी, ऐसे। नहीं नहीं, ये झूठ है। दिल देना है तो दे दे, वरना ये हम चले। हो हो हो। नहीं, भूल गई सब कुछ। और क्या क्या किया मैंने? और मैं आई कमिन? ले, खुद ही पूछ लेना, तूने क्या क्या किया था। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये आपका स्कार्फ गुरु शिखर पर छूट गया था। कल मैंने तुमसे क्या क्या कहा उसे शरारत समझकर माफ कर देना। ऐसी शरारत तो बच्चे भी नहीं करते। विश्वास, मैंने तुमसे क्या क्या कहा मुझे याद नहीं, पर जो कहा है चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, बिल्कुल सच कहा है। ये प्रेम वृक्ष है। प्रेमिका अपने प्रेमी के नाम का लाल धागा इस पेड़ को बांधकर इसके पत्ते पर अपने नाम के साथ अपने प्रेमी का नाम लिखती है। ऐसा करने से उसे अपना प्रेमी जरूर मिलता है। हेलो, मैंने प्रेम वृक्ष को लाल धागा बांध दिया है। उसके पत्ते पे मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम लिख दिया है। हेलो, थोड़ा बचपन जरा सी जवानी, ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। थोड़ा बचपन जरा सी जवानी, ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। ओ थोड़ा बचपन जरा सी जवानी, ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। थोड़ी सी नादान है, खुद से भी अनजान है, दिल मेरा हैरान है, हाय क्या करूं। थोड़ी सी नादान है, खुद से भी अनजान है, दिल मेरा हैरान है, हाय क्या करूं। ओ थोड़ा बचपन जरा सी जवानी, ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। जाती कभी मान जाती, कभी दूर जाती, कभी पास आती, कभी हो रूठ जाती, कभी मान जाती, कभी दूर जाती, कभी पास आती, कभी। होठों पे मुस्कान है, माना के मेहमान है, नई नई पहचान है, हाय क्या करूं। थोड़ी सी नादान है, खुद से भी अनजान है, दिल मेरा हैरान है, हाय क्या करूं। वो थोड़ा बचपन जरा सी जवानी,
ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। शरारत भी है, कुछ अदाएं भी हैं, कुछ नजाकत भी है। हो थोड़ी सी मस्तियां, कुछ शरारत भी है, कुछ अदाएं भी हैं, कुछ नजाकत भी है। आफत का सामान है, तौबा एक तूफान है, मुश्किल में अब जान है, हाय क्या करूं। थोड़ी सी नादान है, खुद से भी अनजान है, दिल मेरा हैरान है, हाय क्या करूं। थोड़ा बचपन जरा सी जवानी, ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। ओ थोड़ा बचपन जरा सी जवानी, ये है लड़की बड़ी ही दीवानी। आज मैं तुम्हारे सामने हूं पर तुम मेरे पास नहीं हो। आज करवा चौथ है। हर करवा चौथ के दिन चांद निकलने से पहले ही मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूं, इसलिए क्योंकि एक दिन मुझे आने में देर हो गई थी और तुम मेरे इंतजार में भूखी प्यासी सो गई थी। आज भी मैं इसी उम्मीद के सहारे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूं कि न जाने तुम कब लौट आओ। पांचों उंगुलियां घी में और सर कढ़ाई में। मेरा लॉकेट। अब बाजी हमारे हाथ में है साले साहब, बस अब मैं जो कहूं वो तुम करते चले जाओ। बिल्कुल वैसा ही करूंगा जीजा जी।
इस भरोसे लाल पर भरोसा रखिए। अब देखना, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखे का चोखा। मेरा बेटा जिंदा है, क्या ये सच? भरोसे लाल पे भरोसा कीजिए विकास बाबू। बहुत साल पहले ममता बहन और आपके बेटे को बेसहारा जानकर मैंने सहारा दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले एक लंबी बीमारी के बाद ममता बहन हम सबको छोड़कर चली गई। मैं सच कहता हूँ विकास बाबू, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है। मरने से पहले ममता बहन इस भरोसे लाल के भरोसे दो अमानत छोड़ गई और मुझसे वचन लिया था कि मैं वो अमानत आप तक पहुंचा दूं। कौन सी अमानत? और दूसरी अमानत है आपका बेटा, जिसे हम प्यार से जय बुलाते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? अभी बुलाता हूँ। जय जय। मेरे बेटे जय। ओके गर्ल्स, हैव अ गुड ट्रिप बैक। अरे प्रिया, तुम यहाँ रुक रही हो, पर क्यों? Why? यहाँ मुझे इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट? हाँ, क्या काम है? मुझे आंटी से कुछ सीखना है। ऐसा क्या सीखना है? हम भी तो जाने। Something which you all hate. What? Cooking. तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? जहाँ तुम शादी करके जाओगी वहाँ काम करने के लिए बहुत सारे नौकर होंगे। पर आंटी, जब मैं ससुराल चली जाऊंगी और उन्हें पता चला इसे आता जाता कुछ नहीं तो? तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ये लो। लीजिए, भैया को हलवा और चाहिए। और? हाँ, भैया हलवे की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, ये लो। मैं तो थक गई, अब आप ही ले जाइए। लीजिए। ओह, थैंक यू। हलवा इतना अच्छा लगा? हाँ, इसीलिए तो इतना खा गया, इस इंतजार में कि कभी तो हलवा तुम खुद लेकर आओगी। कितना खूबसूरत है मेरा सपना। नहीं, इस मकान का मेहमान बहुत अच्छा है। आपका मकान बहुत अच्छा है। नहीं, इस मकान का मेहमान बहुत अच्छा है। मेहमान कहाँ है बताइए, मेहमान कहाँ है बताइए। आईने के सामने आ जाइए।
नहीं, इस मकान का मेहमान बहुत अच्छा है। तो कुछ भी नहीं किया मेहमान नवाजी का शुक्रिया, अजी हमने तो कुछ भी नहीं किया। आपका मिजाज बहुत अच्छा है। नहीं, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। आईने के सामने आ जाइए। आपका मकान बहुत अच्छा है। नहीं, इस मकान का मेहमान बहुत अच्छा है। उसका जी चाहे उतने दिन। ओ मेहमान रहेगा यहाँ कितने दिन। अजी उसका जी चाहे उतने दिन। आपका जवाब बहुत अच्छा है। नहीं, देखा है जो ख्वाब बहुत अच्छा है। के सामने आ जाइए। हेलो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जरूर कोई खास बात है, मुझे भी बताइए ना। ऐसे नहीं, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। मैं आ रही हूँ अंकल। प्रिया बेटे, ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, सॉरी। थैंक यू। तुम जा रही हो बेटी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ चलिए ना, आपने हमें माउंट आबू घुमाया, हम भी आपको उदयपुर घुमाएंगे। आपको वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। आंटी जी, अंकल का स्वभाव भी बिल्कुल आपके जैसा है। चलिए ना, आओ बैठो, अब तुम भी कुछ खा लो। थैंक यू बेटे। आप चलेंगी ना आंटी? बेटे, इस वक्त तो हमें विश्वास के इंटरव्यू कॉल का इंतजार है, एक दिन तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। क्या आंटी, तो उदयपुर नहीं चलोगे? कुछ बन जाऊं, तुम्हें पाने के लायक हो जाऊं, फिर जहां कहोगी चला चलूंगा। जानते हो, अंकल कहते हैं अगर इंसान में काबिलियत हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यस। तुम सच कह रही हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों?
मेरे साथ मेरे पापा नहीं है ना। कहते हैं जब लड़का बड़ा हो जाता है तो पापा बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, बेटी को सही रास्ता दिखाते हैं, हर मोड़ पर गिरने से बचाते हैं। मेरा रास्ता तो बहुत लंबा है। देखना, तुम एक दिन बहुत बहुत बड़े बनोगे विश्वास। थैंक यू। तब तो उदयपुर आओगे ना? हाँ। आंटी, हम यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए, और आज जा रहे हैं तो इतने रिश्ते छोड़कर। जीते रहो। विश्वास, प्रिया जा रही है बेटे। बाय बाय। विश्वास, प्रिया तुझे बहुत चाहती है, क्या तू भी उसे पसंद करता है? प्यार छुपाने की चीज नहीं है बेटे, प्यार किसी पूजा से कम नहीं। मुझे मेरी बहू के रूप में प्रिया ही चाहिए। माँ, जा जाकर उसे बता दे। हेलो। प्यार तुम्हीं से कर बैठे हम, प्यार तुम्हीं से कर बैठे। दिल दीवाना हो गया है तुमसे मिलते मिलते, दिल दीवाना हो गया है तुमसे मिलते मिलते। प्यार तुम्हीं से कर बैठे कहते हैं कसम से हम, प्यार तुम्हीं से कर बैठे कहते हैं कसम से। दिल दीवाना हो गया है तुमसे मिलते मिलते, प्यार तुम्हीं से कर बैठे कहते हैं कसम से हम, प्यार तुम्हीं से कर बैठे कहते हैं कसम से। जिस दिन से तुमको देखा लगने लगा है ऐसा, तुम चांद सी लगती हो या चांद तुम्हारे जैसा। जिस दिन से तुमको देखा लगने लगा है ऐसा, तुम चांद सी लगती हो या चांद तुम्हारे जैसा। दिल तुम्हारा हो गया है तुमसे मिलते मिलते, दिल तुम्हारा हो गया है तुमसे मिलते मिलते। प्यार तुम्हीं से कर बैठे कहते हैं कसम से हम, प्यार तुम्हीं से कर बैठे कहते हैं कसम से। ला 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 ला।
अब जो है बेकरारी, लेकिन ये बेकरारी लगने लगी है प्यारी। पहले कभी नहीं थी, अब जो है बेकरारी, लेकिन ये बेकरारी लगने लगी है प्यारी। चैन मेरा खो गया है तुमसे मिलते मिलते, चैन मेरा खो गया है तुमसे मिलते मिलते, प्यार तुम्ही से कर बैठे कहते हैं कसम से, हम प्यार तुम्ही से कर बैठे कहते हैं कसम से, दिल दीवाना हो गया है तुमसे मिलते मिलते, प्यार तुम्ही से कर बैठे कहते हैं कसम से, हम प्यार तुम्ही से कर बैठे कहते हैं कसम से। फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन। ये क्या कर रहे हो मामा? अरे भांजे तू नहीं समझेगा, ये तिलक लगाने से शैतान भी साधु दिखाई देता है। अच्छा मामा, फिर तो मैं भी लगा लेता हूँ। नहीं भांजे, तुझे तो विकास बाबू को तिलक लगाना है, वो भी बिना पानी के। How were you and how was your trip? Great uncle. I missed you. Me too. For you, uncle. Oh. Hello, Priya. I'm Jay. My son, Priya. My son. Surprise. Yes. Hello, Jay. Hello, Priya. आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ. Thank you, sweetheart. Thank you. ये क्या है बेटे? माँ नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना? ये उसी का इंटरव्यू कॉल है। मुझे उदयपुर जाना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। है ना? प्रिया। आई अंकल। अंकल आपके लिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। मुनीम चाचा, आज आपको हमारे हाथ का बना गाजर का हलवा खाना होगा। गाजर का हलवा तो हम जरूर खाएंगे। डॉक्टर ने नमक खाने से मना किया है। ठीक है। कमाल की चीज है मामा। तेरे लिए भांजे। डायलॉग डायलॉग। पापा, अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, काम की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। अब तुम आ गए हो बेटा तो मुझे किस बात की चिंता। मालिक, हलवा खाकर आज मालकिन की याद आ गई। मालकिन बिल्कुल ऐसा ही हलवा बनाती थी। बेटा, ऐसा हलवा बनाना तुमने किससे सीखा? आबू वाली आंटी से अंकल। ओ। विश्वास बेटे। जी बाबा। उदयपुर के हमारे आश्रम में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम उसी में रुक जाना। जी बाबा। चल। जो प्यार आज तक आप सब मुझे देते रहे हैं, मैं चाहूंगा प्लीज वही प्यार मेरे बेटे जय को भी दें। आज से हमारा सारा कारोबार जय संभालेगा। डायलॉग डायलॉग डायलॉग। मैं पापा के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। तानिया! मेरा बिछड़ा हुआ बेटा आज मेरे साथ है, ये सब तेरी दया का तो फल है। अरे
सुखी रहो, जिंदगी की हर राह पर तुम्हें कामयाबी मिले। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए मुनीम जी, बैठिए। बैठो। BSc फ्रॉम माउंट आबू। यस सर। नो, हमारे यहां दिल्ली और मुंबई से कैंडिडेट्स आए हैं। यू कैन गो। नहीं जय, इंसान चाहे बड़े शहर से आए या छोटे शहर से, हमें उसकी काबिलियत की कदर करनी चाहिए। मैं इसे मिल चुका हूं। ही इज अ वेरी गुड बॉय। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे संस्कार बताते हैं तुम कितने काबिल इंसान हो। यू आर अपॉइंटेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इंटरव्यू कैसा रहा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? गेस करो। मम्मी से पता किया होगा। यस। जानते हो जिनसे तुम आज मिले थे ना, श्री विकास बाबू, वो मेरे अंकल हैं। क्या? हाँ, मैं तुमसे इसी वक्त मिलने आ रही हूँ। यहाँ? हाँ। सुनो, हम कहीं और नहीं मिल सकते? नो। हेलो प्रिया। शिट। अरे प्रिया, मैंने कहा था ना तुमसे कहीं और मिलते हैं। एक कमरे में, एक थाली में, एक कटोरी में गुजारा कर लेंगे। एक कमरे में, एक थाली में, एक कटोरी में गुजारा कर लेंगे। कमरे में, एक थाली में, एक कटोरी में गुजारा कर लेंगे। बिछाने में, एक तकिए पे, एक कंबल में गुजारा कर लेंगे। एक बिछाने में, एक तकिए पे, एक कंबल में गुजारा कर लेंगे। तेरा साथ हो तो जाने
बस्ती में अपनी मस्ती में महंगी सस्ती में गुजारा कर लेंगे। दिल की बस्ती में अपनी मस्ती में महंगी सस्ती में गुजारा कर लेंगे। कमरे में एक थाली में एक कटोरी में गुजारा कर लेंगे। एक कमरे में एक थाली में एक कटोरी में गुजारा कर लेंगे। मुनीम जी, मैं जय का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहता हूं। जी सर। विश्वास? यस सर। कल जय का बर्थडे है, यू आर इनवाइटेड। थैंक यू सर। सी यू देन। आइए। विश्वास, क्या देख रहे हो? जब भी मैं विकास बाबू को देखता हूं मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। मुनीम जी, जी मैं जब भी विश्वास को देखता हूं मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। हेलो। हेलो विश्वास बेटे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मम्मी, अरे मैं तो भूल ही गया था मम्मी। थैंक यू मम्मी। एक मिनट बेटे। Happy birthday to you. रहमत, thank you. बहुत बहुत बधाई विश्वास। प्रणाम बाबा। जन्मदिन पर बधाई भैया। थैंक यू शांति। अच्छा शांति, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ओके बाय। कम इन। Many many happy returns of the day. Thank you. लेकिन ये सब क्या है? हाँ? प्यार। इसे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बस एक मिनट में आई। शक्कर में गुजारा कर लेंगे। पापा, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। अरे ये तो मेरा फर्ज है, इतनी शानदार पार्टी मैंने तुम्हारी शान में। नमस्ते सर। आप विश्वास आओ। हैप्पी बर्थडे जय। थैंक यू विश्वास। आप ऑफिस की सारी जिम्मेदारी जय पर छोड़ दीजिए और फिर मैं हूं ना। प्रिया बेटा, ये विश्वास है। मैं नहीं जानती हूं, आबू मेनी की मम्मी ने मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखाया था। ओ, आज इनका भी बर्थडे है। अच्छा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। यही समझ लो अपने दूसरे बेटे को खुला। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं बर्थडे बॉय जय से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो हमें गीत सुनाए और इस पार्टी की रौनक बढ़ाए। मामा पांजी, डायलॉग डायलॉग। अरे डायलॉग क्या मामा, वो गाना गाने को बोल रही है तो सुना देना। आती के खंडाला गाना आए तो गाऊं ना मामा।
सुनाएगा, लगता है जय शर्मा रहे हैं। क्या मैं आज के दूसरे बर्थडे बॉय से गाने की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अरे प्लीज प्रिया, सब सब प्लीज। मौसम है आया आज का समां, मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। जहां जहां नजर गई वहां बहार है, इसी कशिश का नाम तो जहां में प्यार है। आज का समां मिलन के रंग में नहाया, दिल से दिल मिले खुशियों का मौसम है आया। विश्वास के साथ हाँ मालूम है, विकास साहब गले लगाते हैं तो विश्वास को, और मैं मामा
बाबा जी भांजे सोचने दे, मैं आगे के डायलॉग लिख रहा हूँ। अरे भाड़ में गए आपके डायलॉग बाबा जी। विश्वास जय है ऑफिस में? सर वो तो 5 बजे निकल गए थे। तुम अभी तक ऑफिस में काम कर रहे हो? बस खत्म हो गया सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट भांजे। देख सवाल के कितना नहीं। प्रिया नाचती है तो विश्वास के साथ, विकास साहब गले लगाते हैं तो विश्वास को, छोड़ूंगा नहीं मैं सबको, देख लूंगा। अब गिर गया। जय आप क्यों हमारा ये रूप देखकर घबरा गए तुम? हाँ लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें, तुम क्या गुल खिला रहे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, सबको देख लूंगा मैं। थैंक यू। बस इतने से रुपए? ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती मुनीम जी। अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जवाब दीजिए मुनीम जी। माफ करना छोटे मालिक, बड़े मालिक का हुक्म था कि आपको हर महीने खर्च के लिए इतने रुपए दिए जाए। बस अरे भांजे इस ऑफिस में तेरी इतनी ही औकात है। डायलॉग। मुनीम जी आज के बाद इस ऑफिस में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, समझे आप? जय पिता समान मुनीम जी के साथ ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम किसी का मान बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उसका अपमान तो मत करो। मुनीम जी से माफी मांगो। विकास बाबू 16 आने सही कह रहे हैं भांजे, तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगो। अरे अपने बड़ों से माफी मांगने पर इंसान छोटा नहीं हो जाता भांजे, माफी मांग ले। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझाता हूं। मुनीम जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा मत कहिए बड़े मालिक, आप इन्हें माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां तो इस उम्र में हो ही जाती है मालिक। मामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त करना पड़ेगा भांजे, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। अरे विकास बाबू की सारी दौलत तेरे नाम नहीं करवा दी तो मेरा नाम भरोसे लाल से बदलकर धोखे लाल रख देना। अरे आपके नाम बदलने से मुझे प्रिया थोड़ी मिल जाएगी मामा, और मामा मुझे प्रिया चाहिए। इतना क्यों तड़प रहा है भांजे? प्रिया तेरी है और सिर्फ तेरी। अरे मैं विकास बाबू को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो तेरी शादी प्रिया से कर देंगे। सच कह रहे हो मामा? बस तुझे चुप रहना है भांजे, एक चुप 100 सुख। ले मार 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 ले। नहीं मामा अब मुझे प्रिया चाहिए, प्रिया। अगर प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम में किसी तरह का विघ्न आ जाए तो प्रेमिका प्रेम वृक्ष पर अपने विश्वास का दिया जलाती है और जिंदगी में आए सभी तूफान थम जाते हैं।
फिर मैंने अपने नाम के साथ विश्वास का नाम जोड़ दिया था। मेरा विश्वास सदा कायम रहे, इसी उम्मीद से मैंने आज अपने प्रेम का दीपक जलाया है। मेरी राह आसान करना। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? काटेगा मुझे, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक तू नहीं हो सकता। और आपने उस दो टके के मुनीम के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। ये सारी दौलत मेरी है, मेरी। अरे अगर बाप की दौलत बेटा नहीं खर्च करेगा तो फिर कौन करेगा? और सुनिए आप, ये दौलत भी मेरी है और वो प्रिया भी मेरी है, और इन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ये दौलत भी मेरी है और वो प्रिया भी मेरी है, और इन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जितना दुख मुझे जय के खोने पर नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आज मुझे उसके पाने पर हो रही है। ममता, जानती हो ममता, जब जय फिर से मेरी जिंदगी में आया तो मैंने सोचा मैं उसकी शादी प्रिया से कर दूंगा, लेकिन क्या करूं, हमारा जय प्रिया के काबिल नहीं है। ममता, प्रिया के भविष्य की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर ही है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। मेरा स्वार्थ प्रिया की खुशियों के आड़े नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अंकल, ये क्या? वेरी बैड। आई एम सॉरी। ये लीजिए अपना फेवरेट ऑरेंज जूस। थैंक यू। अंकल, मैं कई दिनों से देख रही हूं आप बहुत उदास रहते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू अंकल? मैं आपको सदा हंसते हुए देखना चाहती हूं। मेरी हंसी तो तू है प्रिया, तू हंसेगी तो मैं हंसूंगा। अंकल, थैंक यू। एंड माय गिफ्ट। विश्वास, तुम्हें कैसा लगता है? अरे ये क्या? देखो बेटी, कुछ आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखना। विश्वास, मुझे भी पसंद है। अंकल! तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। नजर लगेगी भांजे, जरूर लगेगी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये कहावत मेरे लिए कही गई है भांजे। चिंता मत कर,
कुछ ही घंटों में तेरे पिता श्री नटवरलाल एक लंबी यात्रा के बाद वापस लौट कर आ रहे हैं। उनके आते ही एक नई महाभारत की शुरुआत होगी भांजे। Cheers! Yes! महाभारत की तैयारी करो जय, खेल तो अब शुरू होगा। जैसे तुम विकास बाबू के नकली बेटे बन गए ना, अब विश्वास मेरा नकली बेटा बनेगा। विश्वास। देखो मुन्ना। हाँ अंकल। ये चिट्ठी सामने जो विश्वास बाबू रहते हैं ना, उन्हें दे देना। अंकल ये लीजिए चिट्ठी। थैंक यू। विश्वास बेटा, अगर तुम अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो इसी वक्त मुझसे होटल गार्डन में आकर मिलो। तुम्हारा अंकल। आपका नमक खाता हूं इसलिए सच्चाई बताने आया हूं। हाँ हाँ बताइए। विश्वास के साथ प्रिया का रिश्ता जोड़ने से पहले आप एक बार विश्वास के बाप को जान लें, पहचान लें। और मुझे पूरा विश्वास है विकास बाबू कि विश्वास के बाप को जानने के बाद आप विश्वास का रिश्ता प्रिया के साथ कभी नहीं करेंगे। कौन है विश्वास के पिता? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए मेरे साथ, अभी आपको उनके डायलॉग सुनवाता हूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विश्वास आ रहा है। हेलो विश्वास। हेलो। आई एम नटवर, प्लीज सिट। अंकल आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? कहाँ है वो? मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? सब्र करो बेटे, मैं तुम्हारे पापा को बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत ही नेक इंसान है। किसी ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया, उस सदमे से उन्हें इतनी मायूसी हुई कि वो हमसे दूर चले गए। आइए देख लीजिए अपनी आंखों से सांप का बेटा सपोला। मायूस मत हो बेटे, जल्दी मैं उस शख्स को ढूंढ कर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा जिसने तुम्हारे पापा और मेरे दोस्त की जिंदगी तबाह कर दी। जिस दिन उस शख्स का पता चल जाएगा तुम्हारे पापा भी मिल जाएंगे। मगर वादा करो बेटे, तब तक ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा करो। वादा करता हूं, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आओ बेटे हमारे गले लग जाओ। विकास बाबू ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाप बिच्छू तो बेटा मगरमच्छ। अब तो आपको भरोसेलाल की बात पे भरोसा हो गया ना कि ये विश्वास का बच्चा आपके दुश्मन नटवर का बेटा है? साबू फोनू। बधाई हो। कौन बोल रहा है? हमारी आवाज भी भूल गए? हम तुम्हारे समधी नटवर लाल बोल रहे हैं। विकास बाबू, बड़ा अच्छा हुआ कि आप पुरानी रंजिश भुलाकर प्रिया की शादी हमारे बेटे विश्वास के साथ करने के लिए राजी हो गए। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा नटवर, कभी नहीं। विश्वास बाबू नमस्कार। कैसे हो विश्वास? तुम? सर ने बुलाया था। आओ। नमस्ते सर। प्रिया तुम अंदर जाओ। विश्वास मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहता हूं। परिवार में सिर्फ मेरी मां है बस। और पिताजी? सर वो बचपन में हमसे बिछड़ गए थे। मां कहती है वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए। तो क्या तुम अपने पिताजी से कभी नहीं मिले? जी नहीं सर। मैं तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। ये लड्डू शांति ने तेरे लिए भेजे। ओ नहीं 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 बाबा, ये लड्डू तो मेरे लिए है। वाह आंटी जी वाह। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी। इधर आओ बेटे। जीती रहो बेटी।
आंटी, आज की इस खुशी के अवसर पर हम आपको इनवाइट करने आए हैं। इस नवरात्रि में हमारे यहाँ दुर्गा माँ की स्थापना हुई है और दाने का उत्सव भी रखा हुआ है। आप सबको आना है। आंटी, आपको तो आना ही है। नहीं बेटे, आज तो मुझे प्रिया के अंकल से मिलने जाना है। पिल स्टेशन कौड़ी राजा लिंगु राजा लिंगु राम राज्य मिल पोत में शिवलिंग। नमस्कार, आप? जी, मैं विश्वास की माँ। आप विश्वास बाबू का अम्मा? जी। माता जी, अम्मा 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 बैठ, अम्मा बैठ। जयपुर साहब जी, मीटिंग है वो कल सुबह 11 बजे फिक्स कर लेना। साहब जी, वो विश्वास बाबू का माता जी आया, वो मिलने को बोलता है, चाहता है। साहब हिंदी ओके क्लियर? ओके आइए। विक्रम भाई साहब, अच्छा तो आप विश्वास की माता जी हैं और विश्वास का रिश्ता लेकर यहां आई हैं। आप अकेली आई हैं? विश्वास के पिता को साथ नहीं लाई? ओह हाँ हाँ हाँ, विश्वास का तो कहना है कि उसके पिता बचपन में ही खो गए थे। वाह, दोनों मां बेटे ने मिलकर बड़ी अच्छी कहानी बनाई है। आपने अपने बेटे को यह नहीं बताया कि उसका बाप एक हत्यारा है? आपने अपने बेटे को यह नहीं बताया कि उसका बाप जेल में उम्र कैद की सजा काट चुका है? एक मुजरिम, सजा याफ्ता और हत्यारे के बेटे के हाथ में हम अपनी प्रिया का हाथ दे देंगे, यह आपने सोच कैसे लिया? कौन सा मुंह लेकर यहां रिश्ता जोड़ने आई हैं आप? बहुत कुछ कह दिया आपने विश्वास के पिताजी के लिए, अब एक शब्द भी मैं उनके खिलाफ नहीं सुनना चाहती। न वो हत्यारे हैं और न ही सजा याफ्ता। तो और क्या है वो? विश्वास हमारा बेटा है। कहां जा रही हो ममता? अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ममता, मैं गलत था, मेरा रास्ता गलत था, मेरे साथी गलत थे। तुम गई तो मैंने जाना कि साथ क्या होता है। ममता, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया। आओ मेरे साथ। आओ देखो ममता, देखो, मैंने कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रखा। 14 वर्ष के वनवास में हर सुख दुख में राम जी के साथ सीता जी थी। मैंने तो बिना मेरी सीता के अकेले 15 वर्ष का बिछोर रूपी कठोर बनवास भोगा है ममता। अब मुझे छोड़कर मत जाना। एक भटका हुआ इंसान सही राह पर नहीं आ सकता। मुझे माफ नहीं करोगी ममता? आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। ममता,
नमस्कार। नमस्कार। मैं भरोसे लाल जी, ममता बहन का मुंह बोला भाई। भरोसे लाल जी, ममता तो कल ही उदयपुर गई है। ओह, और हमारा छोटा सा भांजा वो विश्वास। हाँ, विश्वास विश्वास। सोचता हूँ यहाँ तक आया हूँ तो उसको ये देखकर मन को शांत कर लूँ। भरोसे लाल जी, विश्वास तो उदयपुर में ही है। ओह हो, बड़ी उम्मीद लेकर आया था। कोई बात नहीं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नमस्कार, काम हो गया। नमस्कार। विश्वास ही विकास बाबू का असली बेटा है, ये आज की ताजा खबर है। विश्वास विकास का असली बेटा है, इस राज के जाहिर होने से पहले ही विश्वास को हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। आज रात माता जी के मंदिर में होने वाले नवरात्रि उत्सव में प्रिया और विश्वास भी आने वाले हैं। मौका अच्छा है बड़े भैया। तुम ठीक कह रहे हो, विश्वास मरेगा और प्रिया की शादी मेरे बेटे जय के साथ होगी। डालो, डालो। इसका मतलब विश्वास की जान खतरे में है। जल्दी आओ। क्या बात है? प्रिया, पापा को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया, विश्वास, विश्वास को छोड़ो, मेरे साथ चलो, वक्त बर्बाद मत करो, चलो। क्या? हाँ, तुम्हारे दोस्त विक्रम की बेटी प्रिया इस वक्त हमारे पास है और प्रिया की शादी मेरे बेटे से होने वाली है। कौन से बेटे से? विश्वास या जय के साथ? अच्छा, तो तुम जान गए हो कि कौन किसका बेटा है? हाँ, मैं जान गया हूं। तो सुन लो, प्रिया की शादी मेरे बेटे जय से होगी और कन्यादान करने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक 9 बजे राजा जी की मिल में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और सुनो, शुभ कार्य में देर मत करना। वेलकम विकास बाबू। आप बड़े समझदार हैं विकास बाबू, जो भाभी जी को भी साथ ले आए। कन्यादान के लिए इनकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना। वैसे विकास बाबू, पराई लड़के का कन्यादान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कहाँ है प्रिया? वो रही। ठहरिए विकास बाबू, हमने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में गंवाए हैं। इतने साल बाहर रहकर हम कितनी दौलत कमाते, इसका हिसाब तो आपके वफादार मुनीम भी नहीं लगा सकते। अब इसका थोड़ा सा हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जीजा जी, वसीयत के कागजात तैयार हैं, बस इन पे प्यारे प्यारे डायलॉग लिखवा लीजिए। लीजिए। विकास बाबू, प्रिया आपके दोस्त की अमानत है ना, दौलत के लिए आप उसे खोना तो नहीं चाहेंगे? मेरे लिए प्रिया से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है नटवर। प्रिया को छोड़ दो। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो बाप बेटे का मिलन बाकी है। रिधि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे ने वंश में वृद्धि दे तू अंबारानी। हृदय में ज्ञान दे, चित में ध्यान दे, अभय वरदान दे माता रानी। रहमत, प्रिया कहाँ? नजर नहीं आ रही। मुझे भी नजर नहीं आई। हेलो,
बेटे हमने तुमसे वादा किया था ना कि हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा देंगे, तो आज वो वक्त आ गया है, तुम इसी वक्त राजा जी की मिल में आ जाओ। सुनो, प्रिया से कहना मैं जरूरी काम के लिए राजा जी की मिल जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। वो रहा। अरे हाँ। रहमत, विश्वास यहाँ था ना, कहाँ गए हो? वो अभी अभी राजा जी के मिल में गया, क्या बात है? ओह माय गॉड, उसकी जान खतरे में है। अंकल, नटवर अंकल, नटवर अंकल, नटवर अंकल, आओ श्वास आओ, आज मिलो उस शख्स से जिसने तुम्हारे पापा को धोखा दिया है, जिसने तुम्हारे पापा को हम सभी से दूर कर दिया है, यह रहा वो शख्स। विश्वास, आदमी कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, कितना ही प्यार जता ले, मगर धोखा धोखा होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले इसी शख्स की वजह से तुम्हारी माँ ने सालों साल दुख झेले हैं, इसी की वजह से तुम्हारा हंसता खिलता परिवार बिखर गया, इसी की वजह से एक पत्नी अपने पति से अलग रही, इसी की वजह से एक बेटे को अपने पिता के प्यार से महरूम होना पड़ा, और इसी की वजह से एक लफ्ज और नहीं। बेटा, मैं तो तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने जा रहा हूं। मैं पापा से मिलूं या ना मिलूं, मैं इनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। इनकी इज्जत मैं पापा से भी ज्यादा करता हूं। खोलो इन्हें। वाह, खून बोलता है। वाह जीजा जी वाह, डायलॉग तो ये है, भरोसे लाल लहू लहू को पुकारता है। सैल्यूट। क्यों विकास बाबू, बता दूं विश्वास को कि आप उसके कौन हैं? बता दूं कि जिस पापा के लिए वो भागा भागा चला आया है वो आप ही है। और आज हम बाप बेटे के मिलन का जश्न मनाएंगे ऐसे। देखना ये कि बेटा बाप को मरते देखना चाहता है या बाप बेटे को। Yeah!
ये ममता की तपस्या का फल है कि आज मेरा परिवार मेरे साथ है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। जय, पापा, जय भले ही मेरा बेटा नहीं है, फिर भी ये कुछ समय मेरे यहां बेटा बनकर रहा है। मैंने इसे बेटा कहा है, अपना बेटा माना है। इसे माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, माफ कर दीजिए। तुम्हारी आंसू ही तुम्हारा पश्चाताप है जय। अच्छे रास्ते पर चलना सीखो। ये सारे डायलॉग बेकार हैं जीजा जी। बस यही एक डायलॉग सही है, अच्छे रास्ते पर चलना सीखो।
कहते हैं कसम से।